हेलो गाइस, आप कैसे हो? आशा करता हूँ बहुत अच्छा होंगे और भले चंगे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, बताना चाहता हूँ कि आज मैं इधर हमारी तरफ का मंडई आए हैं। मंडई मेला लगा है यहाँ पे, भीम डोंगरी कलवा खेरो कहते हैं यहाँ पे। ये प्रसिद्ध मेला है यहाँ का, आसपास क्षेत्र का एक बहुत अच्छा मेला है, प्रसिद्ध जाने माने मेला लगता है यहाँ पे। इसमें पंडा मेला कहते हैं इसको, जो पंडाओं का रहता है ना, उसमें पंडा मेला लगता है यहाँ पे। मेरा छोटा भाई के साथ आए हैं, हम इधर मंडई का नज़ारा दिखाएंगे दोस्तों आपको। दोस्तों, मेला का नज़ारा देख सकते हो आप, कैसा है इधर का मेला। ये मेरा छोटा भाई कैसा हो रहा है उधर जाके, देख सकते हैं दोस्त मेला का नज़ारा, एक झलक। दोस्तों, हमारे तरफ का मेला का हम नज़ारा दिखाएंगे दोस्तों, जाते हैं मेला के अंदर। आवाज़ में थोड़ा डिस्टर्ब होगा दोस्तों, ज़्यादा मेला का भीड़ भाड़ का आवाज़ आएगा तो माफ़ी चाहूँगा दोस्तों नज़ारा दिखाने में। इस तरह से इधर का मेला है दोस्त। मात्र 20 रुपए और 30 रुपए, 20 रुपए और 30 रुपए में कम नहीं लिया जा रहा था। क्वालिटी और वैरायटी देखिए, उसके बाद पैसा दीजिए। जी हाँ साहब, सोचा बेचारी ना लगाइए, सोचने वाला सोचना जाएगा। मेला कितना भराया है दोस्तों, देख सकते हैं खचाखच मेला भराया है। मेला देख सकते हैं दोस्तों, इधर मिठाई है। मेला का भीड़ भाड़ देखिए, दोस्तों मेरा भाई मंडई आया है, छोटा भाई देख सकते हैं। ये मेरा छोटा भाई एक और है, कैसा बाल बढ़ा रखा है, पूरा पूरा हीरो बन रहा है मेरा भाई। और इधर भी दोस्त हैं और बहुत सारे मेला में आए हैं। मेला का नज़ारा देख सकते हैं, कितना खचाखच भराया हुआ है इधर मेला। बर्तन का दुकान है इधर में, छोटा भाई के साथ मेला घूमते हैं दोस्तों। हम आपको मेला दिखाएंगे दोस्तों, आज का मेला, मेला कैसा है इधर का पंडा मेला, भीम डोंगरी कलवा खेरो का। इधर गुब्बारा है दोस्तों, गुब्बारा छोटे छोटे बच्चों के लिए। 20 रुपए, 30 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए। देखिए कितना भीड़ भाड़ है यहाँ पे, बच्चों का खिलौना है इधर, खिलौना है दोस्तों बच्चों का, छोटे छोटे। बहुत ज़्यादा मेला भराया है दोस्तों इस बार, थोड़ा कम है लेकिन भराया है, बहुत अच्छा लगा है इस बार। क्योंकि लोग बाग धान वान काटने में बिजी हैं, इसलिए बहुत कम आए हैं मेला मेला घूमने के लिए। इधर गुब्बारा है दोस्तों, छोटे छोटे बच्चों के लिए, देख सकते हैं बहुत अच्छा मेला भराया हुआ है, बहुत अच्छा सीन है इधर का। मिठाई देख सकते हैं दोस्तों, आनी बानी की मिठाई है इधर में। अब देखकर आपको भी खाने का मन कर रहा होगा, बहुत ज़्यादा मिठाई आया इस मंडई में। कितना पब्लिक है दोस्तों मंडई में, कितना पब्लिक भराया हुआ है, दुकान है इधर में पूरा, बहुत बड़े एरिया में खचाखच दुकान भराया हुआ है, पब्लिक कितना देख सकते हैं, पब्लिक का नज़ारा देख सकते हैं दोस्तों। इधर पंडा लोग नाच रहे हैं दोस्तों, राउत लोग नाच रहे हैं, दुकान दुकान जा जाके देख सकते हो आप। ऐसा है इधर हमारे एरिया का मंडई दोस्त, हमारे एरिया का मंडई आना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएंगे। इधर दुकान लगा है, इधर सब्जी का दुकान लगा है, इधर में सोना चांदी का दुकान लगा है दोस्तों, इधर में सब्जियों का दुकान लगा है, इधर में महिलाओं का वो चूड़ी चाकी वाला दुकान लगा है दोस्त।
दोस्तों देख सकते हैं कांदा का दुकान में कितना भीड़ लगा हुआ है। ऐसा है इधर का मेला का दोस्तों, है बहुत बड़े एरिया में लगा है, भीमा डोंगरी कलवा खेरो मेला पंडा मेला। घर बना देता हूँ का लुप्त उठा रहे हैं, आनंद उठा रहे हैं। देख सकते हैं घूम घूम के छोटा भाई के साथ बहन लोग हैं, भाई लोग हैं। देख सकते हैं कितना आनंद लग रहा है मेला में, कितना मजा आ रहा है दोस्तों घूम के। बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है और यहाँ पे बहुत सारे जनसंख्या भी इकट्ठा हुए हैं मेला में बहुत ज़्यादा, क्योंकि फर्स्ट मेला लगता है एरिया के, इसलिए दोस्तों घूमते घूमते मेला में थक गए हैं, तो खड़े हैं छोटे भाई के साथ। इधर पीछे तरफ मिठाई का दुकान पड़ा हुआ है, अभी मिठाई खाएंगे दोस्तों हम, देख सकते हैं मिठाई खरीद दोस्तों, मिठाई खा रहे हैं मेला का, मंडई का मिठाई खा रहे हैं, जलेबी खा रहे हैं, छोटा भाई लोग भी खा रहे हैं, बहन है सिस्टर है। मिठाई है खरीद के खा रहे हैं दोस्तों, घूमते घूमते थक गए थे इसलिए यहाँ पर खड़े हैं, मिठाई खा लेते हैं सोच के। अब भी खा लो दोस्तों। दोस्तों हमारा मेला हो गया घूम घाम के, अब घर जाएंगे, शाम हो गया है। तो देख सकते हैं इधर का रोड है पास में, NH 30 रोड, रायपुर जबलपुर रोड है, राष्ट्रीय राजमार्ग। मेला है भाई, डोंगरी का मेला, पंडा मेला बोलते हैं इसको, पंडाओं का ये चौगान का इधर मेला लगता है, जो धार्मिक स्थल है वहाँ पे। डोंगरी का मेला है भाई, डोंगरी का मेला, पंडा मेला बोलते हैं इसको, पंडाओं का ये चौगान का इधर मेला लगता है, जो धार्मिक स्थल है वहाँ पे, फेमस मेला है यहाँ का।